हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल करियर ट्यूटर। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डब्ल्यू बी यीट्स की वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोइम है, ए प्रेयर फॉर माय डॉटर। ए प्रेयर फॉर माय डॉटर, यानी कि डब्ल्यू बी यीट्स हैं, ये फर्स्ट स्टेशन में होते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में, और उस टाइम इनके घर में एक लड़की पैदा होती है, एक बेटी पैदा होती है, और उस टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो बस एंड ही होता है, यानी कि हर जगह डिस्ट्रक्शन है, हर जगह डिसअपॉइंटमेंट है, हर जगह निराशा है और केओस है, डिसऑर्डर है, अनार्की है, ये सारी की सारी चीज़ें, यानी कि अराजकता, यानी कि इंसान सुखी नहीं है। और उस टाइम इनके घर में एक लड़की पैदा होती है, बेटी पैदा होती है, तो उसके भविष्य को लेकर के, उसको उसके फ्यूचर को लेकर के ये बड़े चिंतित हो जाते हैं और इनके ऊपर एक पोइम लिख डालते हैं, और वो जो पोइम जो है वो इनकी वन ऑफ द बेस्ट पोइम मानी जाती है। ये पोइम जो है ये पब्लिश होती है 1921 के अंदर, यानी कि 1918 में तो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड होता है, तो उस टाइम भी हालात इतने अच्छे नहीं थे, तो उसके ऊपर ये पोइम लिखते हैं। तो हम इस पोइम को हिंदी में बहुत ही बारीकी से हम डिस्कस करेंगे, और आप इस वीडियो के ऊपर एंड तक बने रहिए। सो इट हैज़ 10 स्टेंजा एंड ईच स्टेंजा कंटेन्स 8 लाइन्स, यानी कि 10 स्टेंजा है, पोइम काफ़ी बड़ी है, 10 स्टेंजा है और 8 लाइन्स है हर स्टेंजा के अंदर, यानी कि लगभग लगभग 80 लाइन्स की पोइम है। 80 लाइन्स टोटल जो इस पोइम के अंदर जो लाइन्स है वो कितनी है, 80। तो 80 लाइन्स की पोइम है, काफ़ी लेंथी है, मगर हम इसकी समरी को डिस्कस करेंगे ताकि अगर आपके एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको आप इसे कवर कर पाए। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि 1921 के अंदर पब्लिश होती है और उसके बाद में 80 लाइन्स की पोइम है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इन दिस पोइम ही यूज्ड क्या, आयम्बिक पेंटामीटर एंड आयम्बिक टेट्रामीटर, यानी कि इसने दो मीटर यूज किए हैं, आयम्बिक पेंटामीटर और आयम्बिक टेट्रामीटर। तो एक स्टेंजा, कोई स्टेंजा 5 लाइन का है और कोई 3 लाइन का है। द पोइम इज स्टार्टेड, ये पोइम जो है वो स्टार्टेड कैसे होती है, एक तेज पोइम जो पोइट है वो बैठे होते कहीं और वहाँ पर तेज तूफान आता है, जबकि यीट्स की जो डॉटर है जो अभी पैदा हुई है वो क्रेडल, यानी कि पालने के अंदर, क्रेडल क्या होता है, एक पालना होता है बच्चों का, सो उनकी जो डॉटर है यीट्स की वो क्रेडल में सेफ सो रही होती है, वो सेफ है, सो रही है, और कभी जो है वो वहाँ बैठे हैं और उस टाइम क्या आता है, एक तेज तूफान आता है। उस टाइम ये जो पोइट है यीट्स हैं वो क्या करते हैं, कल्पना में खो जाते हैं, और इस पोइम में पोइट प्रे करता है। नेक्स्ट जो डिस्कस कर रहे हैं वो कोई ये सेकंड स्टेंजा है या फोर्थ है। इस पोइम में पोइट प्रे करता है कि उसकी सुंदरता, उसकी डॉटर की सुंदरता जो है वो बहुत अधिक न हो। इस पोइम में पोइट जो है वो प्रे करता है, प्रार्थना करता है मालिक से, भगवान से, कि उसकी उसकी बेटी की सुंदरता बहुत ज़्यादा ना हो। क्यों? क्योंकि सुंदरता डिस्ट्रैक्ट करती है अननेसेसरी लोगों का, उनका अट्रैक्ट करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है, यानी कि ध्यान हटाती है लोगों का। तो ये खुद भी एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है, क्योंकि इनका एक अफेयर चलता है किससे, मोदगोन, इनका एक अफेयर चलता है मोदगोन से, जो कि काफ़ी सुंदर होती है और वो इनसे शादी करने के लिए मना कर देती है। तो मोदगोन के ऊपर ये सुंदरता जो है ये काफ़ी सुंदर होती है, मगर ये उनको, उनसे शादी नहीं कर पाते हैं, तो इनका जिंदगी के अंदर काफ़ी इनको मलाल रहता है, काफ़ी दुख होता है। तो ये बोलते हैं कि इस पोइम में कि पोइट प्रे करता है कि उसकी उसकी डॉटर की सुंदरता बहुत अधिक ना हो, क्योंकि अत्यधिक सुंदरता अननेसेसरी लोगों को अट्रैक्ट करेगी। अत्यधिक सुंदरता, यानी कि सुंदरता बहुत ज़्यादा है तो वो क्या करेगी, अननेसेसरी लोगों को अट्रैक्ट करेगी, उनका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट करेगी। जबकि ब्यूटी अन्य गुणों में हो, जैसे इनर वर्च्यूज, यानी कि उनके अंदर क्वालिटी हो, गुण हो, क्या हो, इनर वर्च्यूज हो, अंदरूनी क्वालिटी हो, जैसे क्या, जैसे हम कह सकते हैं कि वो होपफुल हो, और क्या, पीटी हो उसके अंदर, दया हो, और क्या, हेल्पफुल हो, दूसरों की मदद करने वाली हो। तो जैसे होपफुल है, पीटी है, हेल्पफुल है, ऑनेस्टी है, ये क्या है, इसकी इनर वर्च्यूज है। तो इसमें यही बता रहे हैं पॉइंट कि सुंदरता ज़्यादा ना हो, मगर क्या हो, अंदर की इनर क्वालिटीज हो, जिससे वो ना तो लोगों का ध्यान भटकाए और ना ही वो ज़िंदगी में किसी का दिल दुखाए, किसी को हार्ट पहुँचाए, किसी का दिल दुखाए और किसी के
किसी को दुख और तकलीफ पहुंचाई। यानी कि इनके साथ ही जो मोदगन ने किया वो उनकी बेटी जो है वो किसी और की लाइफ में ऐसा ना करे जिससे लोगों को तकलीफ हो और जो जीना बड़ा मुश्किल हो जाए। ए प्रेयर फॉर माई डॉटर के अंदर जो हमारे पोइट हैं डब्ल्यू बी येट्स, द पोइट सेज दैट हिज डॉटर टू बी ग्रांटेड ब्यूटी बट शुड बी इनर। यानी कि जो ब्यूटी है वो क्या होनी चाहिए, शुड बी इनर, यानी कि अंदरूनी क्वालिटी होनी चाहिए, विच नॉट डिस्टर्ब एंड डिस्ट्रैक्ट अदर्स, जो दूसरों को ना तो डिस्टर्ब करे और ना ही डिस्ट्रैक्ट करे, ऐसी ब्यूटी उसके अंदर होनी चाहिए। इसने पोइट ने, क्योंकि ये डब्ल्यू बी येट्स हैं, उनको एक शंबोलिक पोइट भी माना जाता है। क्या शंबोलिक पोइट? तो ये जो शंबोलिज्म, उनको एक शंबोलिक पोइट माना गया है। और ये कुछ एग्जाम्पल देते हैं, हमेशा एग्जाम्पल के साथ ही बात करते हैं, जो अत्यधिक सुंदरता के नुकसान, यानी कि ये नुकसान बता रहे हैं कि अत्यधिक सुंदरता से क्या नुकसान हो सकते हैं। इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया ट्रॉय हेलन, जो कि एक ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर इस वर्ल्ड की सबसे सुंदर महिला माना जाता है। उनकी अत्यधिक सुंदरता के कारण हु ब्रोट डूम अपॉन हर एंड मनी अदर्स, यानी वो खुद भी बर्बाद हो गई और उसने दुनिया दूसरों को भी बर्बाद कर दिया। तो ये एक एग्जाम्पल इन्होंने लिया ट्रॉय हेलन का। सेकंड, इन्होंने एक, ये ऑटोबायोग्राफिकल भी है, तो इन्होंने एक एग्जाम्पल खुद की लाइफ से भी लिया। इनको एक लड़की से प्यार होता है, एक लड़की से क्या होता है प्यार, जिसका नाम है मोदगन। ये मोदगन से लव होता है इनका, और ये मोदगन जो है ये डब्ल्यू बी येट्स को क्या कर देती हैं, जो डब्ल्यू बी येट्स हैं इनको ये रिजेक्ट कर देती हैं। और ये शादी किससे करती हैं, मैकब्राइड से, और मैकब्राइड क्या है, ड्रंकार्ड, यानी कि ये क्या है, पियक्कड़ है, ये नशे में धुत रहता है। तो ये जो मोदगन काफ़ी सुंदर होती हैं, मगर इसके जो डिसीजन हैं वो क्या हैं, गलत होते हैं, और डिसीजन गलत की वजह से क्या हो गया, इसकी लाइफ जो है वो बर्बाद हो गई। और मैकब्राइड से इसकी लाइफ जो है, जो शादी जो है वो इतनी अच्छी नहीं चली, और ये खुद भी बर्बाद हो जाती है, और मैकब्राइड तो बर्बाद है ही। तो ऐसी ऐसी एग्जाम्पल इस पोइम के अंदर, ये प्रेयर फॉर माई डॉटर के अंदर दिए हैं। तो हम कुछ पार्ट इसका और डिस्कस करते हैं, इसलिए आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। अब ये जो पॉइंट है, ये आगे हेटर की बात करता है, यानी कि हेटर्ड, हेटर्ड का मतलब कहता है नफरत करना, दूसरे से जलसी करना। सो द पॉइंट कंसिडर्स हेटर्ड शुड बी द कोज ऑफ ऑल एविल्स। इसमें पोइम में कभी बताता है डब्ल्यू बी येट्स कि जो हेटर्ड है वो शुड बी द कोज ऑफ ऑल एविल्स, यानी कि सभी बुराइयों की जो मेन कोज है वो क्या है, हेटर्ड। एंड प्रेज दैट, और वो क्या प्रे करते हैं, हर डॉटर शुड बी अवॉइड दैट, कि उसकी लड़की के अंदर क्या नहीं हो, नफरत ना हो, यानी कि हेटर्ड ना हो। बिकॉज इसका रीजन भी बता रहे हैं कि बिकॉज हेट डिस्ट्रॉयज पीपल एंड मेक्स देम डू क्रूल थिंग्स। बिकॉज हेट डिस्ट्रॉयज पीपल, जो हेट है वो लोगों को क्या करती है, बर्बाद कर देती है। एंड मेक्स देम, और उनको बना देती है डू क्रूल थिंग्स, और उनसे गलत काम करवाती है। इन दिस पोइम, इस पोइम में क्या बताते हैं, इन दिस पोइम द पोइट शोज हिज इमोशनल स्टेट व्हेन मोदगन रिजेक्ट्स हिम। इसमें जो डब्ल्यू बी येट्स हैं वो खुद की भी लाइफ के बारे में कुछ चर्चा करते हैं कि उनको जो प्यार होता है किससे, मोदगन से। ये जो मोदगन है ये ब्यूटीफुल काफ़ी है, बहुत अति सुंदर है, लेकिन वो रिजेक्ट कर देती है डब्ल्यू बी येट्स को, और वो मैरी करती है किससे, शादी कर लेती है मैकब्राइड से, जो कि क्या है, ड्रंकार्ड है। ही वॉन्ट्स हिज डॉटर, और ये जो मोदगन जो है ये डब्ल्यू बी येट्स को रिजेक्ट कर देती हैं, मोदगन से शादी कर लेती हैं, और लास्ट में मोदगन जो है एक ड्रंकार्ड होता गया है, उसका डिवोर्स हो जाता है, और उसकी लाइफ जो है वो बर्बाद हो जाती है। इसलिए जो डब्ल्यू बी येट्स है वो क्या चाहते हैं, हिज डॉटर टू एक्सपीरियंस नीदर डिसअपॉइंटमेंट नोर हेटर्ड। यानी कि जिस इंसान के अंदर क्या होगी, हेटर्ड होगी, वो क्या क्या फेस करेगा, डिसअपॉइंटमेंट। अगर हेटर्ड नहीं होगी तो डिसअपॉइंटमेंट, डब्ल्यू बी येट्स के हिसाब से डिसअपॉइंटमेंट फेस नहीं करेगा। इसलिए डब्ल्यू बी येट्स जो है इस पोइम के अंदर अपनी पर्सनल लाइफ का भी जिक्र करते हैं, और अपनी जो डॉटर है उसके लिए प्रे भी करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को
लाइक ज़रूर करेंगे और चलते चलते सब्सक्राइब करिए। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।